हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो ये है कि कोविड वैक्सीन कब कब नहीं लेनी चाहिए। 1 मई के बाद से हमारी सरकार ने 18 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को वैक्सीन के लिए ओके कर दिया है। तो ऐसे में लोगों के मन में बहुत सवाल आते हैं, क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। तो इसमें हम प्योरली साइंटिफिक और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन के बारे में बातें कर रहे हैं कि आपको कब कब वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशनल है, यानी कि आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको वैक्सीन लेनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो हमारे देश में जो दोनों वैक्सीन्स है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनकी जो स्टडी है वो प्रेग्नेंट या लैक्टेशनल वुमेन के ऊपर नहीं है। तो ऐसे में बच्चे के ऊपर उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेशनल हैं, तो आप बेटर है कि इन दोनों वैक्सीन्स को अवॉइड करें जब तक कि फर्दर स्टडीज नहीं हो जाती। दूसरी कंडीशन है, अगर आपको पहली डोज लगने के बाद बहुत सीवियर एलर्जी हुई हो, या आपको लाइफ में कभी भी बहुत ही ज़्यादा सीवियर एलर्जी हुई हो। यहाँ पे मेरा सीवियर एलर्जी कहने का ये मतलब है कि आपके पूरे बॉडी में फफोले आ गए हों, आपके लिप्स सूज गए हों, आपके गले में सूजन आ गई हो, इस प्रकार की बहुत सीवियर एलर्जी होने के बाद आपको ये वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, यानी कि नहीं लगवानी होती है। तो आपको किस प्रकार की एलर्जी है, बहुत सीवियर एलर्जी थी या माइल्ड एलर्जी थी, इसकी जानकारी आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से ले सकते हैं। फिर जो तीसरा कारण है, जो मोस्ट कॉमन अभी के माहौल में देखने को मिल रहा है, वो ये है कि आपको हाल फिलहाल में कोविड हुआ है। अगर आपको कोविड हुआ है तो ऐसे कंडीशन में 4 to 8 weeks का गैप होना चाहिए आपके फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम से लेकर वैक्सीनेशन के बीच में, यानी जब आपको पहला दिन सिम्टम डेवलप हुए वहां से लेके कम से कम 4 to 8 weeks का गैप होना चाहिए वैक्सीनेशन लेने के लिए। ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि एक बार आपको कोविड हो गया है तो कुछ दिन तक थोड़े बहुत एंटीबॉडीज आपके अंदर रहते हैं, तो ऐसे में वैक्सीनेशन देने का कोई भी फायदा नहीं होता है। इसीलिए 4 to 8 weeks के गैप के बाद ही आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। इसके अलावा और जो है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, या आपको हीमोफीलिया या ऐसे किसी की जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्टेशन के बाद ही वैक्सीन ले, उनके सुपरविजन में ही वैक्सीन ले। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, कहने का मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम है, जैसे कि अक्सर देखने को मिलता है कैंसर पेशेंट्स में जिनकी कीमोथेरेपी चली हो, जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट या किसी भी प्रकार का ट्रांसप्लांट हो, या जिन्हें कुछ ऐसी दवाई दी जा रही हो जिनसे इम्यूनिटी कम होती है, स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आप वैक्सीन तो ले सकते हैं, लेकिन उस वैक्सीन की जो एफिकेसी है, यानी आपको बचाने की जो क्षमता है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी वीडियो है छोटी है लेकिन बहुत ही काम की और पॉइंट वाइज है। अगर आप वैक्सीन से रिलेटेड और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कोविड के ऊपर हम और भी एपिसोड लेकर आने वाले हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप चेक हर इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिल रही है YouTube पर, वो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पर चेक कर सकते हैं या ऑथराइज्ड गवर्नमेंट की साइट पर चेक कीजिए। थैंक यू।